हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेक अप फैन फिक्शन सिटी किंग बाइस ए स्लिप ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम ए ब्रॉथल एंड वांट्स टू हैव ए रिलेशनशिप विद हिम के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द यंग पेपर्स हाथ में लेकर वहाँ से निकल जाता है। द यंग वहाँ से निकल कर अपने वाइफ वैन से मिलने आ जाता है, वैन के नौकरानी। तैयंग के आने की खबर उस तक पहले ही पहुंचा दिया था, इसलिए वैन तैयंग के कमरे के अंदर एंटर करने से पहले ही बिस्तर पर आकर लेट जाती है। तैयंग कमरे के अंदर एंटर कर वैन को बिस्तर पर लेटा हुआ देखता है। वैन तैयंग को देखकर बीमार होने की नाटक करने लगती हैं ताकि तैयंग उसकी केयर करे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो थोड़ी देर पहले जोंगकुक के कर रहा था। लेकिन तैयंग केयर करने के बजाय उल्टा वैन पर गुस्सा करने लगता है। तैयंग वैन पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वैन बिस्तर पर उठकर बैठ जाती हैं और आंखों में आंसू लिए सैड टोन में कहती हैं, रुको, तुम क्यों उस सर्वेंट के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो? क्यों तुम उसके लिए इतना परवाह करते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में मैंने कभी अपने लिए फीलिंग्स महसूस नहीं किया। तुमने कभी मेरी इतनी केयर नहीं की जो तुम उस सर्वेंट के लिए कर रहे हो। क्या मैं इतना ही बैड पर्सन हूँ तुम्हारी नज़र में? क्या मैं ज़रा भी प्यार डिजर्व नहीं करता? तैयंग वैन की बातों को इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोंगकुक नींद में अजीब सी सपना देखने लगता है। हंसुई उसे तैयार होने के लिए कह रही थी, क्योंकि आज उसे ब्रॉथल के आई हुई वीआईपी गेस्ट को अपने डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध करना था। तभी हंसुई उसे नामजुन से स्पेशल मीटिंग करने के लिए कमरे के अंदर भेजता है। जोंगकुक जैसे ही कमरे में एंटर करता है, नामजुन उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और उसके बाद वह सिटी किंग आकर नामजुन पर अटैक कर देता है। ड्रीम में फिर से ये सब कुछ देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। पसीनों से जोंगकुक के फोरहेड काबर हो चुका था। तैयंग जोंगकुक के बगल में बैठकर पूरी रात उसका देखभाल करता है। पूरी रात जागकर तैयंग उसका केयर करता है। सुबह होते ही तैयंग एक हाथ जोंगकुक के फोरहेड पर रखकर चेक करता है। फीवर कम होता देखकर तैयंग जोंगकुक के जागने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। जोंगकुक के नींद खुलते ही जोंगकुक बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। अब जब जोंगकुक बेटर महसूस करने लगा है और काल रात के तरह अभी फीवर भी नहीं है, इसलिए जोंगकुक बात लेकर पहले नाश्ता करता है, क्योंकि बिना नाश्ता किए सर्वेंट उसे कमरे से बाहर निकालने नहीं दे रहा था। जोंगकुक ब्रेकफास्ट करने के बाद कमरे से बाहर आ जाता है। जोंगकुक बाहर आकर देखता है, तैयंग उसके कमरे के बाहर खड़ा है। तैयंग फिर से जोंगकुक के माथे पर हाथ रखता है ये देखने के लिए कि उसे फीवर है या नहीं। जब उसने देखा जोंगकुक को फीवर नहीं है, तैयंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तैयंग जोंगकुक के सामने ये शो नहीं करता। तैयंग जोंगकुक के हाथ पकड़ कर उसे लेकर ऑफिस में आ जाता है। तैयंग और जोंगकुक को एक साथ देखकर अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तैयंग अपने कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट तैयंग के लिए चाय लेकर हाजिर हो जाता है। जोंगकुक एक साइड में खड़ा था। सर्वेंट लेडी फिर भी जानबूझकर जोंगकुक के करीब आकर उसके पैरों के आगे पैर रख देता है, जिससे जोंगकुक ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन जैसे तैसे जोंगकुक खुद को संभाल लेता है। जोंगकुक जानता है सर्वेंट लेडी जानबूझकर उसे गिराने के लिए पैर आगे किया था, इसलिए जोंगकुक उस नौकरानी के पास आकर गर्म चाय की कप ट्रे के साथ उठाकर चाय उसके पैरों के ऊपर गिरा देता है। तैयंग बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तैयंग स्माइल करके कहता है, क्या बात है, तुम तो पहले से बहुत बोल्ड हो गए हो, तुम अब मेरे सामने दुस्साहस दिखा रहे हो। तभी जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी किंग,
अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो अब मैं एक बात अच्छे से समझ चुका हूँ। अब जब मुझे आपके साथ इसी पैलेस में रहना पड़ेगा, इसलिए आपसे इस पैलेस में दुश्मनों से खुद को बचाने का तरीका भी मुझे आना चाहिए, ताकि मैं यहाँ इतने सारे बुरे लोगों के बीच में सरवाइव कर सकूँ। विदाउट एनी रीज़न कोई मुझे बुली करेगा, मुझ पर अत्याचार करेगा, आपसे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, तैयंग स्मार्क करके कहता है। वेल, फाइनली तुमने अब यहाँ से जाने का जीत को छोड़ दिया है और यहाँ की सच्चाई को अपना लिया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये कहकर तैयंग जोंगकुक के कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर जोंगकुक को अपने गोद में बिठा लेता है। जोंगकुक तैयंग के गोद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तैयंग उसे और मजबूती से पकड़ लेता है और अपने साथ अच्छे से चिपका कर रखता है, इसलिए जोंगकुक हिल भी नहीं पा रहा था। तैयंग एक हाथ से जोंगकुक के सीने से कपड़ों की लेयर को हटाकर उसके गले से थोड़ा नीचे काटने लगता है। इस जगह पर तैयंग उस दिन भी उसे काटा था जिस दिन तैयंग और वायन की शादी हुई थी, लेकिन तैयंग सुहाग रात जोंगकुक के साथ मनाया था। तैयंग एक हाथ से जोंगकुक के गाल पर सहलाते हुए कहता है, अब जब तुम ठीक हो गए हो और तुम्हें फीवर भी नहीं है, मैं चाहता हूँ आज रात तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो, आज रात तुम मेरा सेवा करो। जोंगकुक तैयंग के आँखों में आँखें डालकर कहता है, ठीक है माई लॉर्ड। ये कहकर जोंगकुक तैयंग के गोद से उठकर वहाँ से निकल जाता है। तैयंग होठों पर मुस्कान लिए जोंगकुक को जाते हुए देख रहा था। मतलब एक किंग जिसके पास पावर, मानी, सब कुछ है, वो प्यार के लिए खुद को कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा था। जोंगकुक से मिलने से पहले प्यार क्या होता है ये बात वो जानता भी नहीं था। जब से जोंगकुक उसके लाइफ में आया है, प्यार क्या होता है जोंगकुक उसे सिखाया है। अब तैयंग उसे पाकर वापस नहीं खोना चाहता था। रात को तैयंग अपने कमरे में जोंगकुक के आने का इंतज़ार कर रहा था। तैयंग आज की रात को यादगार बनाए रखने के लिए कमरे में बहुत सारे खुशबू वाली कैंडल जलाया था, फ्लावर से खुद रूम को डेकोरेट किया था। तभी अचानक पीछे से कोई तैयंग के आंखों में ब्लाइंड फोल्ड डाल देता है। पहले तो तैयंग ये सोच रहा था कि जोंगकुक है, लेकिन जब वो पर्सन तैयंग के चेहरे को छूने लगती है, उसके जिस्मों की खुशबू और सांसों की खुशबू से तैयंग ये समझ जाता है, ये पर्सन जोंगकुक नहीं हो सकता, ये पर्सन जोंगकुक नहीं है। तैयंग तुरंत उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बिस्तर पर गिराकर एक हाथ से उसका गला पकड़कर दूसरे हाथ से आंखों के ऊपर से ब्लाइंड फोल्ड को हटाकर तैयंग जोंगकुक के जाके किसी औरत को देखकर गुस्से में फूलने लगता है। तैयंग जोर से उस लड़की के गला दबाते हुए पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किस मोटिव के साथ तुम इस कमरे में आई हो? वो लेडी डर के मारे सच बोल देती हैं, माई लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ जोंगकुक ने भेजा है, उसने कहा कि आज रात उसके जगह मैं आपके सेवा करके आपके दिल में मैं अपने लिए जगह बना लूँ, ताकि आप उसे भुलाकर मेरे साथ रहें। और वो प्रिंस नामजून से टोकन लेकर हमेशा के लिए इस पैलेस को छोड़कर जा सके। ये सब कुछ सुनने के बाद तैयंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तैयंग उस लेडी को धक्का देकर फ्लोर पर गिराकर जोंगकुक को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी में पैलेस से निकल जाता है। दूसरे तरफ नामजून लेक के पास टेंशन में वॉक कर रहा था, क्योंकि नामजून सचमुच अपने आदमी के हाथों जोंगकुक को टोकन दिया था, ताकि जोंगकुक टोकन लेकर इस महल को छोड़कर चला जाए। नामजून बेसिकली तैयंग को दुखी करने और उसे चोट पहुँचाने के लिए ही ऐसा कर रहा था। नामजून के गार्ड आकर उसे कुछ बोलता है। दूसरे तरफ जोंगकुक पैलेस के बाहर कदम रखने से पहले ही तैयंग के आर्मी जोंगकुक को पकड़ लिया था और उसे पकड़कर किंग के पास लाकर उसे घुटनों पर बैठा कर रखा था।
जोंगकुक के इस हरकतों से तैयंग इतने गुस्से में था कि तैयंग गुस्से में जोंगकुक को बहुत बैड वर्ड बोलने लगता है, उसे बहुत गलत गलत बातें सुनाने लगता है। क्योंकि वो भाग रहा था, उसने उसे धोखा देकर भागने की कोशिश की थी। तभी जोंगकुक तैयंग के सामने अपने पैरों पर खड़ा होकर कहता है, ये सब वर्ड मेरे लिए ना कहकर एक काम क्यों नहीं करते हो तुम? तुम मुझे मार दो, मैं अब और नहीं जीना चाहता। एक दिन मैं यहाँ से ज़रूर भाग जाऊँगा और उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जोंगकुक के बातें सुनकर तैयंग उसे गुस्से में कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगता है। तैयंग जोंगकुक को अपने स्टडी रूम में लेकर आया था। तैयंग के अंग रक्षक स्टडी रूम के डोर बाहर से लॉक कर दिया था और बाहर खड़े होकर गार्ड करने लगा था। तैयंग जोंगकुक को कमरे में लाकर स्टडी टेबल के ऊपर बिठाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।